कोटा शहर एसपी शरद चौधरी ने आज जायका रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने का खुलासा किया है। शरद चौधरी ने बताया कि 3 जुलाई को विज्ञान नगर के जायका रेस्टोरेंट पर कुछ युवकों द्वारा फायरिंग कर व्हाट्सएप कॉल के जरिए फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग को निरुद्ध किया था। आज फायरिंग करने वाले 5,000 रुपए के इनामी मुख्य अभियुक्त शुएब को विज्ञान नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको विदित है 3 जुलाई को रात में लगभग 8 बजे जायका रेस्टोरेंट जो मिस्टर अख्तर साहब का है उस पर 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और उन्होंने फायर किया था। उसमें अभी 3-4 दिन पहले कोटा पुलिस को सफलता मिली थी और 2 लोग हमने गिरफ्तार किए थे, लेकिन बाद में पता लगा वो नाबालिग हैं तो उनको फिर बाल अपचारी मानते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई थी वो की गई थी। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें अन्य अभियुक्त भी बाकी हैं जिनको कोटा पुलिस शीघ्र गिरफ्तार करेगी। तो इसमें सतवीर ASI, अशोक हेड कांस्टेबल, रोहित कांस्टेबल और देवेश भारद्वाज SHO साहब की जो टीम थी इसको ये सफलता मिली है और इन्होंने शोएब उर्फ हुंडा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनको साथ में जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी इन्होंने दस्तयाब किया है। इसको आज पेश करके माननीय न्यायालय से PC रिमांड वास्ते अनुसंधान प्राप्त किया गया है और आगे का अनुसंधान अभी भी जारी है। देखने से ऐसा लग रहा है मोटरसाइकिल पे 3 सवार आए थे तो 2 वो और 1 ये 3 मुलजिम गिरफ्तार हो गए, लेकिन कोटा पुलिस अभी और इसके अंदर अनुसंधान कर रही है कि यदि कोई इनको भेजने वाला था, कोई षड्यंत्रकारी था जिसके द्वारा भेजा गया, क्योंकि इस पूरी घटना के दौरान जब हुई थी तो घटना के उपरांत एक मैसेज आया था जो फिरौती से संबंधित था, उस पर भी अभी अनुसंधान चल रहा है वो किसने किया, किसके मोबाइल से आया। लेकिन आज जो कोटा पुलिस को जो मुख्य अभियुक्त है ये शोएब जो उस दिन मोटरसाइकिल पे मौजूद था और घटना कारित करने वाले में 2 बाल उपचारियों के अलावा ये मेन एक्यूज्ड है, इसको गिरफ्तार किया